They say Karachi is a city that never sleeps. मैं सोचता था कि इस शहर की population इतनी ज़्यादा क्यों है? Hello, how are you guys doing today? Welcome back to my channel. सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Thank you for subscribing. Thank you for watching my videos. Thank you for watching my channel. I try to bring new and amazing stuff for you guys to watch and for myself to discover. And you guys have supported me in that for such a long time and you keep supporting still. I'm sure you will keep supporting me in the future. So thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much. So today we're gonna watch Malik Junaid. He's a Pakistani stand-up comedian. I think he's from Karachi maybe. I'm super excited for this Pakistani stand-up comedy. Let's go ahead and check it out. Karachi mein bachelor aadmi ka rehna to haram hai na, aur khaas taur pe good looking bachelor aadmi ka. Self proclaimed good looking aadmi. Log pata nahi kyun darte hain. Pehli baat to ye ki aapko ghar koi nahi dega kiraye pe. Log darte hain ki ye hamari building ki ladkiyan pata lega. Theek hai, jaise hota hai na Pakistan India match mein, jaise hi Kohli aata hai hamari andar andar se phat jati hai. Abe yaar, jo baat hai le gaya, jo baat hai ये तो ले गया. जो बात है, सिर्फ खूबसूरत आदमी को देखते हुए ना इन मालिक मकानों की ना अंदर से ये डर जाते हैं कि ये तो हमारी बिल्डिंग की लड़कियां पटा लेगा. अब उनको डर इस बात का नहीं होता कि ये हमारी बिल्डिंग की लड़कियां पटाने की कोशिश करेगा, डर इस बात का होता है कि खूबसूरत आदमी पट भी जाएंगे. अब मैं आया, एक मालिक मकान से बात चल रही थी, मकान देखा, पसंद आ गया, सब कुछ सही हो गया. अब फाइनल इंटरव्यू चल रहा है मेरा, और आप चेक करें कि जो अंकल है वो कितने इंटेलेक्चुअल तरीके से मेरा अखलाक जज करने की कोशिश कर रहे हैं. पहला सवाल, बेटा आप शराब तो नहीं पीते? मतलब अंकल जी, पहली बात तो मैं पीता नहीं हूँ, इस्लाम में बहुत महंगी, मतलब हराम होती है. इतनी महंगी है ना पाकिस्तान में, इतनी महंगी है ना. बाद में बात करेंगे फोन पे. और दूसरी बात ये कि मैं पीता भी हूँगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है. या मैं किसी अमीर बाप की कोई बिगड़ी औलाद हूँ और प्राउडली बता रहा हूँ, आई ड्रिंक, आई लव जेडी. क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे? दूसरा सवाल, yes. पहले तो मुझे लगा ऑफर कर रहे हैं अंकल. yes. आप कर्ज तो नहीं पीते? मतलब अंकल क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? क्या आई विल बी लाइक हेल या डूड, हु डू द न्यू वीट ब्रो, आई लिव ऑन दैट शिट, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, बेस्ट शिट इन टाउन, यू वांट टेक अ हिट, कम ऑन मैन, वन हिट एंड यू गोना बी फ्लैट. वन हिट एंड यू गोना बी फ्लैट. मतलब अंकल क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? अंकल बोल रहे हैं, देखो बेटा बैचलर्स को बहुत देखभाल के घर देते हैं, हमारी बिल्डिंग में रहती हैं फैमिलीज, तो अगर तो आपने हमारी बिल्डिंग की लड़कियों को छेड़ा तो हम आपको पहले से बता रहे हैं, हम आपके एडवांस में से पैसे काट लेंगे. बहुत आला कराची अंकल, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, देख लो. और ये सिर्फ पहली दफा छेड़ने की सजा है, अगली दफा हम सिर्फ पैसे नहीं काटेंगे. Alright guys, so that was Malik Junaid, his stand-up routine on bachelor life in Karachi. And yes, it's so true, Karachi ki jo life hai wo thodi bahut isi tarah ki hai ki jab aap apartment dhoondne jaoge apne liye. Main kabhi nahi gaya, mujhe zarurat nahi padi, mere maa baap ne mere liye ghar provide kiya hua tha. But people who have to move out.
हाँ भाई, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि मलिक जुनेद ने जो स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन किया है कराची में, सबसे पहले तो उसने अंकल बहुत प्रॉपर कर दिया। अंकल सारे कराची के जो है ऐसे होते हैं कि बेटा देख लो, हम आपको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो मान लो बात, वरना देख लो। ये एक टिपिकल जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं वाले अंकल होते हैं इस तरह के कराची में। दैट्स ट्रू, दैट्स स्पॉट ऑन। या आई हैव नेवर बीन अपार्टमेंट हंटिंग माई सेल्फ, क्योंकि जब मेरा वो टाइम आया अपार्टमेंट हंटिंग का, आई वॉज ऑलरेडी इन US एंड आई वॉज अपार्टमेंट हंटिंग ओवर हियर। और यहाँ पे ऐसे कराची अंकल तो नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे तो रेगुलर बोरिंग बिल्डिंग मैनेजर्स होते हैं जो के बस, यू नो, दे डोंट इवन थ्रेटन टू कट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। या दैट वाज अ फनी रूटीन। आई लाइक हिज वे ऑफ डिलीवरी, के ही हैज दिस थोड़ी तपी हुई एक टोन है कि एक तो खूबसूरत लड़कों को, खूबसूरत बंदे को जो है ना अपार्टमेंट नहीं मिलता है। ही इज लाइक के यू नो, ऑफ कोर्स आई एम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैन एंड देर जेलस ऑफ मी एंड देर, दैट्स व्हाई दे डोंट गिव मी अपार्टमेंट्स फॉर रेंट। दैट्स प्रीटी फनी, दैट वाज अ फनी बिट। हाँ, शराब का जो क्वेश्चन है कि इस्लाम में बहुत महंगी है, दैट वाज सच अ गुड जोक मैन। आई नो इट्स रियली टफ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, स्पेशली लिविंग इन अ हार्डकोर इस्लामिक सोसाइटी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीज़ों पर बात करने में। बट इट्स नॉट लाइक के इतना कोई बड़ा इशू है। पीपल आर, you know, people are open, people are liberal with their views, and they know, people don't see anything wrong in talking about something. aap baat karna jis bare mein chaho baat kar sakte ho. And I love his joke on weed also, ke iske dimag mein weed ya hash ya charas peene wala jo banda hai wo ye hai ke yo man, yo what's up, you be fine. ye iske dimag mein ye hai ke people who smoke weed are, you know, trying to be or are like that. Yeah, it's true ke pakistan karachi mein, pakistan mein ye bada ek issue hai ke hamari ladkiyon ko na chhede ya hamari ladkiyon ko na patale ya hamari ladkiyon ko na tang kar le. bhai ladke ladki allah mein ne banaye isliye ke wo ek dusre ko patae, ek dusre ke sath chhede, ek dusre ke sath setting kare. agar aap rokoge to aage kaise badhegi insaniyat puri. thoda soch ke bola karo yaar ye cheez. I know they have their reasons ke bhai shaadi karke karo jo karna hai, you know, be official, don't just, you know, mess around, fool around, don't do that. And yeah, it is correct to a certain point. Messing around ends up in kids being born without wedlock, and then un bachcho ke liye zindagi mushkil ho jati hai. aap chahe jitne liberal ho, maa baap chahe jitne liberal ho, society agar utni liberal nahi hai to bachche ke liye wo phir galat ho jata. in US it's okay to have a baby without getting married, it's totally normal. मतलब इन फैक्ट दैट्स द न्यू नॉर्मल हियर. शादी करने वाले लोग थोड़े अजीब से होते हैं और यू नो, उनको लोग देखते हैं कि हाँ ये तो गोरे हैं और पढ़े लिखे हैं और अमीर है तो ये कर सकते हैं शादी. रेस्ट ऑफ अमेरिका डजंट रियली केयर अबाउट दैट. इसके भी दो नजरिए हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं. कुछ लोग इसको देखेंगे कि ये जहालत के जमाने की बात है, कि जब पुराने जमाने में जब जहालत बहुत ज्यादा ऊंची होती थी तो पीपल वुड डू सच थिंग्स एंड यू नो गेट मैरिड आउट ऑफ वेडलॉक. सम पीपल ओवर हियर वुड सी कि हम इतना आगे इवॉल्व कर चुके हैं कि अब हम शादी जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखते, कि हम शादी, वी आर पास्ट द शादी स्टेज, कि शादी जरूरी नहीं है, दूसरों का अप्रूवल जरूरी नहीं है, वी आर गोना बी हैप्पी टुगेदर. सो देयर इज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन दिस वन सब्जेक्ट, एंड टू ईच देयर ओन आई गेस. जिसको जो जिस तरह अच्छा लगता है वो उस तरह करे, एंड वन शुड बी एबल टू, यू नो, गेट एन अपार्टमेंट वेयर दे वॉन्ट देयर अपार्टमेंट टू बी, बगैर इस चीज़ से घबराए कि मुझ पर लोग नजरें उठाएंगे या मुझे लोग उस नजर से देखेंगे कि लड़कियां पटाने आया है. That's it for today's video. Thank you for watching, Salman Arif. Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. So I've decided to watch one more of Malik Junaid's video. So let's go ahead and check out Malik Junaid, Populations, Wedding aur Rishtedar. They say Karachi is a city that never sleeps. Main sochta tha ki is shahar ki population itni zyada kyun hai. Kamino? Haramiyo? Population bahut bada masla hai yaar. कराची के लिए पूरे मुल्क का ही मसला है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि, खैर एक ही वजह है कि हम वो बहुत करते हैं, शादियाँ. शादियाँ बगैर किसी वजह की शादियाँ हो जाती हैं ना इस मुल्क में. बाहर मतलब आपने फिल्में देखी होंगी अंग्रेज़ी, वो बच्चा अपने पापा से पूछता है, डैडी हाउ डिड यू मॉम, हाउ डिड यू मीट मॉम, है ना. वो बताता है हम पार्टी में मिले और फिर हमने पार्टी की और फिर हम 2 साल इकट्ठे रहे, फिर मतलब बहुत सोच समझ के शादी करते हैं. एक हमारा मुल्क है, मेरे एक अंकल थे, बड़े खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे वो. मैंने सोचा अंकल जी क्या सीन है, आंटी को जानते थे आप क्या? बोलते हाँ बेटा जी हम जानने वाले थे, मेरी अम्मी और इनकी अम्मी कपड़े सिलवाने एक ही दर्जी के पास जाती थी. Oh my God, this is so true. आप शादी तो बनती थी मतलब आप हाँ. एक दर्जी के पास जा रही है दो माए तो शादी तो बनती है उनके बच्चों की. ऐसी तो शादी होती है हमारी तरह, और शादियों पे भी ना जिसकी शादी हो रही है उसको लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर रहे थे, हाँ जी बेटा जी. शादी हो गई, चलो यार बड़ी खुशी हुई यार, बड़ी चलो यार अल्लाह ने तुम्हारा घर भी आबाद कर दिया. मतलब मैं कोई सड़क पे पड़ा हूँ.
अंकल जी मतलब आप अपनी शक्ल देखें, आपकी शादी हो सकती है तो मेरी भी ऐसा कौन सा मौजा हो गया। बहुत आला। शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मसला शादी में नहीं है, मसला रिश्तेदारों में है। क्योंकि अगर आपकी शादी के 5-6 महीने बाद इफ़ योर वाइफ इज़ नॉट प्रेगनेंट देन पीपल आर गोइंग टू कम अप विद स्टूपिड स्टफ लाइक वो अंकल आ जाएंगे, हाँ जी बेटा जी चल कैसा चल रहा है सब कुछ। This is so true, ऐसे बहुत सच बात है। चल रहा है ना? And this doesn't end here. मतलब they not only want you to have a child right after the marriage, they want you to keep having babies in a regular fashion. In a regular fashion. कज़न आ जाएंगे, ओ यार मुझे ना मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। मुझे छोटे बच्चे ना बहुत पसंद है। तेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। Just imagine, मतलब वो क्या कह रहा है कि dude you need to have a new baby because I don't like the old one anymore. That's what he's saying, yeah. होती हैं ऐसी cousins, लड़के तो पता नहीं लड़के होते हैं। हर हफ्ते मैं नया play चलाऊं यहाँ पे। दादियाँ बड़ी अजीब होती हैं। इनके थोड़े सारे बच्चों से इनका दिल नहीं भरता। मतलब आए मेरे भतीजे के घर में 4 बच्चे हैं, कितना बड़ा बड़ा घर लगता है। मतलब दादी अम्मा आपके भतीजे की शादी को 10 साल हो गए, मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं। मतलब बीवी है मेरी, कोई एटीएम मशीन तो नहीं है ना जितने दिल किया निकलवा लिए। मसला हमारे मुल्क में एक और ये भी है कि हम ना शादी से पहले अगर मतलब यार अभी 4 महीने हुए हैं बेचारे को, लेट देम हैव सम गुड टाइम। मैं पिछले 4 साल से जोंग की लेट नाइट ऑफर पे गुजारा कर रहे हैं वो। जो बात है बेचारे पाकिस्तानी कपल्स यार, क्योंकि यही रिश्तेदार होते हैं अगर शादी से पहले भी लड़के लड़की को इकट्ठा देख लेना इनको मसला हो जाता है। हाँ ठीक है, आप इमेजिन करिए आप अपनी फियांसे के साथ बैठे हैं, भी कोई फूफो टपक पड़ेंगे बीच में, क्या बातें हो रही हैं आपको नहीं पता लड़का लड़की में आपस में क्या बातें होती हैं। As if you don't know, petrol की prices गिर गई, वो discuss हो रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं? और क्या बातें हो रही होंगी? होते हैं कंजर रिश्तेदार, कंजर। And yes, I'm saying कंजर, yes। अबे यार मतलब घर में बैठ के बातें कर रहे हैं तो करने तो जरूरी है, मजारे गए जाएं। बात हम पॉपुलेशन की करें तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों ये पॉपुलेशन में ना सबसे बड़ा किरदार जो है वो गरीब लोगों का। गरीब मतलब अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। शिट। That's what I have noticed. एक दिन फकीर मांगने वाला आ गया, कह रहा भाई साहब मेरे मदद कर दो, भाई साहब मेरे 7 बच्चे हैं। मैंने मेरा क्या कसूर है? है बंदा रीज़न देता है ना, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांगें टूट गई हैं या बिनाई चली गई है, मेरे से बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, मेरी मदद करें। तेरी हो रही है और टिकट के पैसे मैं दूँ। एंटरटेनमेंट तेरी, टिकट के पैसे मैं दूँ। सिग्नल तू तोड़े, चलान मेरा हो जाए, कुंडे तू लगाए और बिजली का बिल मेरा ज्यादा है। अरे तू फकीर है या सियासतदान है तू? बहुत वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड मैन। कराची का स्टैंड अप कॉमेडी सीन जो है काफी ऊपर आ गया है। मतलब आई डोंट नो लाहौर का क्या सीन है या बाकी शहरों का क्या सीन है, बट आई डेफिनेटली सी सम ग्रेट पोटेंशियल इन कराची फॉर द स्टैंड अप रूटीन। हम काफी स्टैंड अप क्लब्स खुलने लग गए हैं, काफी स्पेसेस हैं जो अब स्टैंड अप कॉमेडी अलाउ कर रहे हैं कराची में। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट, दैट्स सच अ गुड मूव। लिटिल केप्ट सीक्रेट एवर सिंस आई वॉच्ड जॉर्ज कार्लिन, जब से मैंने जॉर्ज कार्लिन को पहली दफा देखा था उसके बाद से मेरा एक बचपन से तो नहीं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बचपन से भाई का जो है ना मूड था कराची में स्टैंड अप कॉमेडी क्लब खोलने का। आई नो इट्स एन एक्सपेंसिव वेंचर, देयर इज नॉट मच ऑडियंस, एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं थी जब मैं सोच रहा था, दिस वाज 2008। होली क्रैप, दैट्स 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल गुजर गए 2008 को। 2008 में जॉर्ज कार्लिन की मौत हुई, दैट इज सो वियर्ड। 22 जून 2008 जॉर्ज कार्लिन डिपार्टेड। मुझे अच्छी तरह याद है बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जॉर्ज कार्लिन, तो मुझे आई डोंट नो क्यों मुझे याद है, बट आई रिमेंबर कब वो उनका इंतकाल हुआ था। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार कराची में आई हैव टू ओपन अ स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन, स्टैंड अप कॉमेडी क्लब। उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडियंस थे कराची के, वो कुछ थे, दानिश अली था और साद हारून था। साद हारून इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज अचीव्ड अ लॉट ऑफ फेम
outside of Pakistan and inside of Pakistan. So yeah, it was like a dream for me, and I after 10 years at least mujhe dekhne ko to mil raha hai ki wo dream sach ho raha hai. Even though I'm not directly responsible for it, I feel like ke, you know, kahin na kahin mera bhi chota mota input hai is cheez mein, comedy ko phailane mein, comedy ki awareness badhane mein, and to teach people that how good comedy can be and how you can, you know, get your frustrations out because of comedy, and you can say things that you can't say in any other public gathering. So comedy is really important for a society to be happy, to be prosperous, and to be true to themselves. If you want to say the truth, then first of all, if you want to laugh, then you will understand how to say the truth. Malik Junaid, brilliant comedy, yaar, bahut acche jokes hain aapke, bahut achi comedy writing hai. I am so excited for you. I've subscribed to your channel, and everybody watching this video, please go ahead and subscribe to his channel. He's a really smart comedian. You will definitely enjoy his routines. Let me know if you guys like any other of his videos and you want me to watch it. Main abhi iski baaki videos nahi dekh raha hu. I'm gonna save it for later. That's it for today's video. Thank you for watching, Tushar. Hope you like and subscribe. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. I love you guys. Shab-e-khair.